मुंबई में आपको बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये हैं एमी वे बंटाई, जिन्होंने कि मचाएंगे नाम के महान काव्य का निर्माण किया, जिसके कि बोल कुछ इस प्रकार हैं, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा। तो वहीं ये हैं डिवाइन, जो कि करण अर्जुन के शाहरुख खान से भी ज़्यादा अपनी माँ को प्रेम करते हैं। एसआरके से ही याद आया कि अभी मैं एसआरके के बंगलों के नीचे खड़ा हूँ। जहाँ मुझे दिखा एक और कलाकार जिसके लिखे हुए गाने को भी ग्रैमी नॉमिनेशन मिला है। अच्छे दिन के बाद ये उनका दूसरा फिक्शनल गाना है, जिसे कि देश और विदेश में बहुत ही सराहना मिली है। यह महान एक्टर एसआरके का बंगलो मन्नत, यहाँ लिखा है लैंड्स एंड, मानो कि ये कोई मायावी जगह हो जहाँ पहुँच कर संसार ही ख़त्म हो जाता है और इसके आगे आप किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हो। लेकिन ये जगह मायावी क्यों ना हो, ये एसआरके का बंगलो है, जहाँ की देश और दुनिया के एसआरके श्रद्धालु उनकी झलक देखने आते हैं। यहाँ न जाने कितने ही लोग ऊपर सर करके खड़े होते हैं, इसी इंतजार में कि एसआरके बालकनी से अपना दीदार दे। इतने ऊंचे सर देख के मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की कविता याद आती है, वेयर द माइंड इज विदाउट द फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ये अनुभव भी ऐसा है मानो कि रणथंभौर में कुछ पर्यटक चीता देखने आए हैं। एसआरके का चुगलखोर गार्ड, जो कि आर्यन खान कितने बजे कौन सी पार्टी से सुबह लौटा है ये एसआरके को बताता हुआ। एसआरके से मिलना संभव नहीं हो पाया, आम आदमी के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं। एक आम आदमी एसआरके से तभी मिल सकता है जब वो समीर वानखेड़े की तरह यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चीफ बन जाए। एक पल के लिए तो सोचा क्यों ना मैं भी मुखर्जी नगर की तंग गलियों में पढ़ पढ़ के यूपीएससी क्रैक करूं, ताकि मुझे आम जनता बाबू बुलाए और बॉलीवुड के लोग सॉरी बाबू। शाहरुख खान, वही द ग्रेट शाहरुख खान, जिन्होंने बाजीगर, बादशाह, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है और विमल गुटका, बोलो जुबा केसरी जैसी महान फिल्मों में काम किया। थोड़ा आगे चले तो दिखा जय भीम ऑटो, उसके पीछे शुभ लाभ वाली भारी भरकम बस। ऐसा लग रहा है कि दोनों में टकराव होने ही वाला है, दो अलग विचारधाराओं के टकराव का एक उत्तम मेटाफोरिकल इमेज, दिस इज सिनेमा। और यहाँ ये दोनों टकराते हुए बचे और शुभ लाभ फाइनली हमेशा की तरह इस देश में आगे निकल गया। शाम होते होते समुद्र के रंग बदलने लगे और एक जादुई लाइट पूरे शहर को अपनी बाहों में ले लेती है। दोपहर की धूप और ह्यूमिडिटी का चिड़चिड़ापन कम होने लगता है। इन रंगों को देख के इंसान पिघलने लगता है और शांत हो जाता है। इंस्टाग्राम की भाषा में कहें तो शाम का मुंबई एक तरह से मॉमी बन जाता है, जो कि अपने बेबीज का ख्याल रखता है। मानो किसी पुरानी नाई की दुकान पे किसी ने सर पर ठंडा ठंडा नवरत्न तेल लगा दिया हो। समुद्र पे लगा हुआ एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का पुतला, चेस खेलने की जगह। बड़े शहरों में अकेलेपन मिटाने का ये भी एक साधन है, यहाँ पे कोई भी आकर स्ट्रेंजर्स के साथ बैठकर चेस खेल सकता है। एक अकेला इस शहर में भीड़ में दोपहर में आबूदाना ढूंढता है। गुलजार से लेकर एमी वे बंटाई, अनगिनत महान कवियों का शहर मुंबई। क्या है ये? हेलो बोलो। हाय, हेलो। हेलो दोस्तों। कैमरा है? कितना सा? अगले दिन आईआईटी बॉम्बे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मुझे एक पैनल डिस्कशन के लिए बुलाया था। यह है आईआईटी का कव्वा, जिसका जन्म कोटा में हुआ था। -1 पॉडकास्ट।
Anurag's creative approach is deeply rooted in citation and explores contemporary social structures, particularly at the intersections of gender, caste, and societal critique. His podcast features thought-provoking conversations on caste, society, and politics and enjoys a high social and global podcast ranking. His talks and innovative video art have graced prestigious venues worldwide, including the Museum of Modern Art in New York, Harvard University, Brandeis University in Boston, among others. We welcome Anurag on stage with a round of applause, please. I come from Texas of India, which is Chicago, and I think I call it Texas of India because it's somewhat a lawlessness, and there are many gangsters who are from there, and there are shootouts happening in the daytime, and you know the culture of that place when I was growing up, and that kind of nomadic kind of mind. ऐसी जगहों पर इंटेलेक्चुअल बातें करने का अपना ही एक प्रेशर होता है। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाना हुआ जहां ये अपरिचित व्यक्ति मिला जो कि अपने आप को एल्विश यादव का फैन बताता है। ये चलता रहेगा कुछ नहीं। एल्विश यादव ब्रो फाड़ देंगे सिस्टर। बट आप एल्विश के फैन क्यों? बिकॉज वो भाई देसी है। आप दिल्ली के ही हो लोग? दिल्ली से हो कपड़े प्रॉपर जाट है। जाट का तो वो है एक आजकल स्वैग है ना। स्वैग अरे यार एक वो एक रजत दलाल डॉग ट्रेनर पहली बार सुना मैंने। नहीं होता है ना। देखो कंटेंट बना रहा है। नहीं कंटेंट लाइक वो बोल नहीं सकता वो बागिंग करेगा। हाँ ये क्या करेगा अभी? पैर छुएगा। वाओ जय गुरुजी भी कर रहे हैं। वाओ सीरियसली।